हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिना। आज का हमारा टॉपिक है कॉल बर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट को हिंदी में नैतिक विकास कहते हैं। ये बीएड वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसमें सीटेट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सो टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ मॉरल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एज गिवन बाय कोहलबर्ग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है। मॉरल डेवलपमेंट में जो बच्चे होते हैं वो ये सीखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और अपने अप्रोप्रिएट मतलब ठीक तरीके से डिसीजंस को लेते हैं। पेरेंट्स के लिए मॉरल डेवलपमेंट का कंसर्न हमेशा से बना रहता है, क्योंकि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को बताना कि क्या सही है क्या गलत है। एक्चुअली जो मोरालिटी वर्ड है ना, ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। सबके लिए अपने अपने अलग अलग न सही और गलत होते हैं, राइट और रॉन्ग्स होते हैं। किसी के लिए कुछ सही होता है, किसी के लिए कुछ गलत होता है। ये उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसे कोई भी अपने सिचुएशन में सही और गलत के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं। जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो मॉरल डेवलपमेंट जो होता है, उसमें जो बच्चा होता है वो अपना जो एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, वो दूसरे सोसाइटी में रहने वाले लोगों से भी सीखता है। इवन उसकी खुद की भी स्किल्स होती हैं। ये सभी जो होते हैं, ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं मॉरल डेवलपमेंट को। लेट्स रीड मीनिंग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। Moral development involves children learning how to tell the differences between right and wrong and to use this knowledge to arrive at appropriate decisions. Moral development का मतलब यही होता है कि बच्चे किस तरीके से सही और गलत को differentiate कर पाएँ और अपने appropriate decision ले पाएँ। Moral development is a process through which a child develops proper attitudes or behaviors towards the other people in the society based on various things such as social and cultural norms, laws and order. Moral development का जो ये process होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो अपने attitudes को develop करता है, अपने behavior को develop करता है। किसके through? Society में दूसरे लोगों के ऊपर देख के, उनके behaviors को देख के वो अपना खुद का एक behavior maintain कर लेता है, उसी according वो अपना behavior बना लेता है। मॉरल डेवलपमेंट इज़ एवरी पेरेंट्स कंसर्न, बिकॉज पेरेंट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच अ चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड देन बिहेव अकॉर्डिंगली। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मॉरल डेवलपमेंट जो होता है वो पेरेंट्स के लिए सबसे कंसर्न टॉपिक होता है, क्योंकि पेरेंट्स को अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें अपने बच्चों को सिखाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। मॉरेलिटी इज शेप बाय मल्टीपल फैक्टर्स। मोरालिटी आई मैंने आपको बताया एक सब्जेक्टिव टर्म है, सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग मोरालिटी है। चिल्ड्रन इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस विद फैमिली पीयर्स एंड अदर अडल्ट्स एज वेल एज देयर मैच्योरिंग फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल स्किल्स कंबाइन टू इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट। बच्चे का एक तो अपना खुद का पारस्परिक अनुभव जो वो अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से और दूसरे लोगों से सीखता है, और खुद की जो उसकी पर्सनली स्किल्स होती हैं फिजिकली इमोशनली, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो मॉरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। लेट्स टॉक अबाउट कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पाइगेट की थ्योरी से ही अपने आप को इन्फ्लुएंस किया था, उसके बाद अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने पाइगेट की थ्योरी को इवन कुछ मिरर्स दिखाने की कोशिश की, इन्होंने पाइगेट की थ्योरी में चेंजेस करके अपनी एक न्यू थ्योरी दी थी। हालांकि बाद में इनकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया था, बट वो अलग बात है। पहले हम पढ़ते हैं कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास की थ्योरी है वो क्या है। कोहलबर्ग एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एक्सटेंडेड पाइगेट्स वर्क इन कॉग्निटिव रीजनिंग। पाइगेट ने जो अपना कॉग्निटिव रीजनिंग का जो थ्योरी दिया था उसी को इसने एक्सटेंड किया है इनटू एडोलसेंस एंड अडल्टहुड, किशोरावस्था में। ही फेल्ट दैट मॉरल डेवलपमेंट वॉज अ स्लो प्रोसेस एंड इवॉल्व्ड ओवर टाइम। इन्होंने सोचा कि जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वो एक स्लो प्रोसेस है और टाइम के साथ ही धीरे धीरे इवॉल्व होता है। उसने मॉरल डेवलपमेंट की, कोहलबर्ग्स ने 6 सब स्टेजेस दी हैं। 3 उसने अपने लेवल्स बताए हैं, प्री कन्वेंशनल मॉरेलिटी, कन्वेंशनल मॉरेलिटी एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरेलिटी। और हर मॉरेलिटी का जो एक कन्वेंशनल लेवल है उसका, उसने उसमें 2 सब स्टेजेस दी हैं। उसने 3 लेवल्स दिए हैं और जिसमें उसने 6 स्टेजेस की बात की है। कोहलबर्ग की फर्स्ट स्टेज है प्री कन्वेंशनल मॉरेलिटी। प्री कन्वेंशनल मॉरेलिटी को हिंदी में पूर्व पारंपरिक नैतिकता कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बच्चों का मॉरेलिटी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ीरो होता है।
इसमें बच्चे कुछ भी सही और गलत का डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, बस जैसा दूसरे कह देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस लेते हैं। इन दिस स्टेज अ पर्सन मॉरल जजमेंट्स आर करेक्टराइज बाय अ कंक्रीट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर और पेन। जो कोई भी पर्सन होता है वो अपने मॉरल जजमेंट्स जो होता है वो इसमें क्या कहता है, अपने एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से लेता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपना सुख और दुख सोचता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजन जो होता है, अपनी जो जजमेंट्स होता है वो ले लेता है। इसकी फर्स्ट सब स्टेज है पनिशमेंट और रिवॉर्ड स्टेज। पनिशमेंट और रिवॉर्ड स्टेज में क्या होता है, इससे बच्चे जो होते हैं वो पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करते हैं, अपना मॉरल जजमेंट्स ले लेते हैं कि बस पनिशमेंट से बच जाएंगे और इसमें वो अपनी कोई भी मॉरलिटी जो एबिलिटीज़ हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं। दिस स्टेज इज़ बेस्ड सिंपली ऑन वंस ऑन पेन और प्रेशर एंड डज नॉट टेक अदर्स इंटू अकाउंट। वो सिर्फ इसमें अपना सुख और दुख अपना ही देखते हैं, ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है। दिस इज़ द स्टेज व्हेन ऑल यंग चिल्ड्रन स्टार्ट एट रूल्स आर सीन एज बीइंग फिक्स्ड एज एब्सोल्यूट। ये जो बच्चों का जो यंग चिल्ड्रन का जो एज शुरू होता है, ये तब से ये स्टेज शुरू हो जाती है, ये चाइल्डहुड की एज होती है ऑलमोस्ट। इसमें जो रूल्स होते हैं वो जैसे कि जैसे दिखते हैं वैसे ही वो फिक्स होते हैं, बच्चे कुछ भी नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है। इट कैन बी कॉल्ड अ प्री मॉरल स्टेज, इसे प्री मॉरल स्टेज भी कहा जाता है। एट दिस स्टेज ऑबिडेंस नॉट मॉरल सेंटिमेंट्स करेक्टराइज डिसीजंस मेकिंग। मैंने बताया कि सिर्फ बच्चे जो होते हैं वो दूसरों का कहना मान लेते हैं, जैसा कि बड़ों ने कहा पनिशमेंट से बचने के लिए। The first level of moral thinking is that generally found at the elementary school level. ये एकदम elementary school level होता है, जो एकदम school के first level में होता है, प्राथमिक school level जिसे कहा जाता है। इसकी second sub stage है exchange stage और stage of ego. इसी स्टेज ऑफ ईगो भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, टिट फॉर टैट की थ्योरी अपनाई जाती है। जो बच्चे के साथ एक काम होता है, बच्चा सोचता है अरे मेरे साथ ये हुआ तो मैं भी दूसरे के साथ वैसा ही करूँगा, उसमें भी बच्चे को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। चिल्ड्रन इन दिस स्टेज आर वेरी कंसर्न विद व्हाट्स फेयर बट आर नॉट कंसर्न विद रियल जस्टिस। बच्चे को बस ये पता होता है कि क्या करना है, फेयर क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया टिट फॉर टैट की थ्योरी इसमें आती है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि रियल जस्टिस वास्तविक न्याय क्या होता है, वो बस ये देखता है कि क्या करना सही है। डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, मतलब क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे से रिलेटेड है। जो जितने भी डिसीजंस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर लिए जाते हैं। प्रिंसिपल्स को हिंदी में सिद्धांत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ओल्डर चाइल्ड माइट रीजन इफ आई डू व्हाट मदर ऑफ फादर वॉन्ट्स मी टू डू दे विल रिवॉर्ड मी देयरफॉर आई विल डू इट। इसमें जो बच्चा होता है वो भी इसलिए करता है कि ठीक है मम्मी पापा ने ये कहा है मुझे करने के लिए तो मैं ये करूँगा, और इससे अगर मैं उनका काम को करता हूँ तो वो मुझे एक रिवॉर्ड भी देंगे, कोई गिफ्ट भी देंगे, इसलिए मैं ये काम करूँगा। This is increase. There is increased recognition that others have their own interest and should be taken into account. इसमें क्या होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और को नहीं सोचता, किसी और की चीज़ अपना इंटरेस्ट देखता है कि उसके अपने खुद के इंटरेस्ट कहाँ आते हैं। अब हम कोहलबर्ग की सेकेंड लेवल के बारे में पढ़ते हैं, जो है कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता। इन दिस लेवल चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम बाय देयर पेरेंट्स टीचर्स एसेट्रा। मोरालिटी इज सीन एज अचीविंग देयर एक्सपेक्टेशंस। अब इसमें जो बच्चा होता है वो समझने लगता है थोड़ा बहुत कि उसके पेरेंट्स और टीचर उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग अपने कामों को करने की कोशिश करता है। इसमें जो मोरालिटी होती है वो कैसे देखी जाती है, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की वो कोशिश करता है। इसका फर्स्ट सब स्टेज जो है, जो थर्ड सब स्टेज है कोहलबर्ग का, वो हो है गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अब इसमें बच्चा क्या करता है, वो ये अपना एक अच्छा गुड बॉय और गुड गर्ल बनना चाहता है। मतलब वो ये चाहता है कि उसकी जो मोरालिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे प्रेज किया जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए। By adolescence, most individuals have developed at this stage. The child tries to live up to the expectations of other and to seek their approval. ये adolescence की जो age होती है, इसमें बच्चा जो होता है वो दूसरों के expectations के ऊपर जीना चाहता है और दूसरों के approvals भी चाहता है। Hence, summarizingly, a person moral reasoning involves maintaining the expectations of one's family, peer group or nation for one's own sake regardless of the unmediated consequences and a desire to respect, maintain, support and justify the existing social order. वो क्या करता है, जो भी अपने फैमिली पीयर ग्रुप में देखता है वो अपना वैसे एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करता है और क्या करता है,
वो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी सोशल ऑर्डर, उन्हीं को ही जस्टिफाई करता है वो। कोई भी अपनी मोरालिटीज़ नहीं लाता, अपने डिसीजंस नहीं लाता, वो बस दूसरे के डिसीजंस के ऊपर अपने आप को अप्रिशिएट करवाना चाहता है, अपना अप्रूवल चाहता है, या दिस इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड, शी इज़ अ गुड गर्ल। सो यही इसकी जो थर्ड सब स्टेज है, इसके ऊपर वो यही बात करता है कि उसे क्या है, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। नेक्स्ट सब स्टेज है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। इसमें वो सोशल सिस्टम की बात करते हैं। चिल्ड्रन नाउ टेक द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंक्लूड्स द सोशल सिस्टम एज अ होल। द रूल्स ऑफ द सोसाइटी आर द बेसिस फॉर राइट एंड रॉन्ग एंड डूइंग वंस ड्यूटी एंड शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट। बच्चा क्या करता है, वो पूरे सोशल सिस्टम को एक रूप में देखता है। वो देखता है कि पूरा जो सोशल सिस्टम है, जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, वो पूरी एक है। जो रूल्स हैं सोसाइटी के लिए, वो सही या गलत के ऊपर बने हुए हैं। तो उसे बस अपनी एक ड्यूटी जो है वो करनी है और अपना रिस्पेक्ट शो करना है, जो कि अथॉरिटी के लिए बस इतना ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाय दिस टाइम इंडिविजुअल्स रीच अडल्टहुड, दे यूजुअली कंसीडर सोसाइटी एज अ होल वाइल मेकिंग जजमेंट्स। द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी। इसमें वो सोशल सिस्टम्स को, लॉ और ऑर्डर को फॉलो करता है, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करता है और सारा लॉ और ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखता है। वो सोचता है कि जो सोसाइटी है वो पूरा एक है और जो सामाजिक व्यवस्था है वो उसको पूरा वो एक समझता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जजमेंट्स बनाता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर है, यही एक की ड्यूटी, यही मेरी ड्यूटी है इन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें कोहलबर्ग क्या है, वो क्या कहता है कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में अब बच्चा जो होता है वो 18 प्लस हो गया है, अब वो चीज़ों को समझने लगा है, सोशल ऑर्डर्स को देखने लगा है, अब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने लगा है, समाज के साथ समझौता करने लगा है कि किस तरीके से उसे अपनी डिसीजंस को लेना है। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल लेवल, इज मार्क्ड बाय अ growing realization that individuals are separate entities from society and that the individual's own perspective may take precedence over society's view. Individual may disobey rules inconsistent with their own principle. अब वो जैसे कि समझने लगा है कि सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं सेपरेट एंटिटीज़ होते हैं, हर इंडिविजुअल का अपना पर्स्पेक्टिव है, हर एक का अपना व्यू है, इंडिविजुअल जो होते हैं वो कुछ अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कभी कभी डिसओबे रूल्स भी करते हैं, सोसाइटी के रूल्स को भी डिसओबे करते हैं। वो क्या करते हैं, अब वो प्रिंसिपल है, वो अपने अपने सिद्धांतों को लाने की बात करते हैं, क्योंकि अब वो समझने लगे हैं, रियलाइज़ करने लगे हैं कि सोसाइटी में जो होते हैं इंडिविजुअल्स भी हैं और इंडिविजुअल्स के अपने सेपरेट एंटिटीज़ हैं, उनके अपने पर्स्पेक्टिव हैं, उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को लेता है। ये फिफ्थ स्टेज है, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हर लेवल में दो दो स्टेजेस की बात की है ना कोहलबर्ग ने। सो अभी हम ये फिफ्थ स्टेज पढ़ रहे हैं, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो बच्चा होता है, जो 18 प्लस होता है, अडल्टहुड होता है, जो वो क्या करता है, समाज से समझौता कर लेता है, सामाजिक अनुबंध कर लेता है। लॉज आर रिगार्डेड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, दोज दैट डू नॉट प्रमोट द जनरल वेलफेयर शुड बी चेंज व्हेन नेसेसरी एंड दिस इज अचीव थ्रू मेजॉरिटी डिसीजंस। अब क्या होता है, वो ये समझने लगा है कि सोसाइटी के लिए क्या, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए क्या सही है और क्या गलत, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी डिसीजंस लेता है। अगर कुछ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए चेंज करने की ज़रूरत है तो वो कहता है, अपने मेजॉरिटी डिसीजन से डिसाइड करता है कि नहीं, इन लॉज को चेंज कर देना चाहिए। रूल्स ऑफ लॉ आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ सोसाइटी बट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड एग्री अपॉन दी स्टैंडर्ड्स। वो कहता है कि रूल्स ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट हैं एक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जितने अधिक ज़रूरी कानून हैं किसी भी समाज को एक मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसी समाज में रहने वाले लोग उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन लोगों को उन रूल्स को मानना होगा। वो रूल्स जो बने हुए हैं वो अगर उन सोसाइटी मेंबर्स के लिए एग्री नहीं होते हैं, सोसाइटी मेंबर्स उन रूल्स के लिए या उनके वेलफेयर के लिए वो रूल्स नहीं हैं, तो उन रूल्स को चेंज हो जाना चाहिए। अब जो है अडल्टहुड की एज में, 18 प्लस की एज में, वो अपनी मोरालिटी को समझने लगा है और अपने डिसीजंस में भी ये देखने लगा है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन लेता है। अब उसके डिसीजन जो होते हैं वो इम्पल्सिव नहीं होते, किसी और के द्वारा थोपे गए हुए नहीं होते, वो अपने डिसीजंस खुद लेता है।
सिक्स स्टेज है स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये जो स्टेज होती है सार्वभौमिक सिद्धांत की स्टेज, इस स्टेज में कुछ सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे महात्मा गांधी, जो हमारे और भी लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, ऐसे लोग आते हैं जो कि अपने से ऊपर दूसरों लोगों के हक के लिए सोचते हैं। अभी तक जो था, आगे हम पहले वाली स्टेजेस में हम पढ़ रहे थे कि जो मोरालिटी होती है वो अपने पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से, अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपने व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यूज उसमें जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। बट इसमें क्या होते हैं, दूसरों के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या सही है और क्या गलत, इसमें पूरे अच्छे से मोरालिटी के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है। मॉरल रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजिंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। लॉज आर वैलिड ओनली इन सो फार एज दे आर ग्राउंडेड इन जस्टिस एंड अ कमिटमेंट टू जस्टिस कैरीज विद इट एन ऑब्लिगेशन टू डिसऑबे अनजस्ट लॉज। अब इसमें वो कहता है कि जो लॉज होते हैं उनका पूरा जस्टिस होना चाहिए, उनके साथ कुछ भी अनजस्ट लॉज नहीं होने चाहिए, डिसऑबे नहीं होना चाहिए। जो मॉरल रीजनिंग होती है, जो नैतिक तर्क होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, मतलब एकदम करेक्ट होती है, करेक्ट वो एकदम ठीक तर्क देते हैं, वो दूसरों के हक के बारे में भी सोचते हैं। अब जो ये जो स्टेज है मोरालिटी का, इसमें क्या हुआ है, मोरालिटी लेवल जो हो गया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मॉरल गाइडलाइंस विच मे और मे नॉट फिट द लॉ। द प्रिंसिपल्स अप्लाई टू एवरी वन, ह्यूमन राइट, जस्टिस, इक्वालिटी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की, न्याय की, समानता की बात होती है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं होती है, दूसरों के लिए भी होती है। कॉलबर्ग ने जिस तरीके से पाइगेट्स की थ्योरी से इन्फ्लुएंस होकर अपनी थ्योरी दी है, आगे जाकर उसी तरह कॉलबर्ग का भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ है, कॉलबर्ग को भी क्रिटिसाइज किया गया है। ये कहा गया है कि जो कॉलबर्ग की थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट की, उन्होंने जो है जेंडर बायस थी, उन्होंने फीमेल के पर्सपेक्टिव व्यूज़ को नहीं डाला है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डाला है, उन्होंने अपनी ही हाइपोथीसिस दे दी हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन में इसका क्रिटिसिज्म पूछा नहीं गया था, इसलिए मैंने क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स को यहाँ एलोबरेट नहीं किया है। येस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ आप वीडियोज़ को शेयर भी करते रहिए ताकि आगे आगे भी ये स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।